दोस्तों अचार तो अक्सर हम खाते ही हैं, रोटी के साथ, पराठे के साथ, डिनर में, लंच में। पर यह अचार एक ऐसा इंस्टेंट और इम्यूनिटी बूस्टर अचार है जिसे आप एक बार बनाएंगे तो बार बार खाएंगे। लाइट्स, कैमरा, रोलिंग, एक्शन। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से पूजा श्रीवास्तव किचन में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इम्यूनिटी बूस्टर अचार। जी हाँ, इम्यूनिटी से भरपूर अचार, अदरक, हल्दी और हरी मिर्च का अचार, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। साथ ही साथ ये हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग बनाता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कच्ची हल्दी, अदरक, हरी मिर्च से अचार बनाने का प्रोसेस। ये देखिए दोस्तों, ये कच्ची हल्दी, अदरक और हरी मिर्च को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है, सुखा लिया है और इनको इस तरीके से रफली चॉप कर लिया है। फ्रेंड्स, अदरक और हल्दी को हमने चॉप करने के बाद पेपर पे एक घंटे के लिए हमने इसको सुखा दिया है ताकि इसका मॉइस्चर खत्म हो जाए। इंग्रेडिएंट नोट करते हैं इस अचार को बनाने के लिए। हमने 2 सर्विंग स्पून सौंफ लिए, मैंने मोटी सौंफ ली है, आप चाहें तो बारीक भी ले सकते हैं। 1 सर्विंग स्पून दाना मेथी ली है हमने। 1 सर्विंग स्पून मैंने सॉल्ट लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने सरसों के दाने लिए हैं। 2 टेबलस्पून मैंने काली मिर्च पाउडर लिया है और 1 सर्विंग स्पून यही वा मैंने राई पाउडर लिया है। कश्मीरी लाल मिर्च मैंने ली है 1 टेबलस्पून सिर्फ कलर लाने के लिए, और 1 टेबलस्पून मैंने हींग लिया है। जी हाँ, 1 टेबलस्पून हींग लिया है। देखिए दोस्तों, अब दाना मेथी और सौंफ, इनको हमें कढ़ाई पे या तवे पे ऐसे सौते करना है ताकि थोड़ा सा कड़कपन इनमें आ जाए और हम इसको मिक्सी में आराम से पीस सके। तब तक के लिए सिर्फ 1 मिनट ही करना है, इनको ना तो जलाना है ना ही ज्यादा भूनना है। अब देखिए, कढ़ाई हमारी गरम हो गई है। अब इसमें हम 1 कटोरी सरसों का तेल डालेंगे और इसे अच्छे से गरम होने देंगे, कड़काएंगे ताकि इसमें झार ना रहे। फ्रेंड्स, तेल अच्छे से गरम हो गया है। यहाँ मैंने पीली सरसों का तेल लिया है, आप चाहें तो नॉर्मल सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं, पर पीली सरसों का इसलिए लिया है मैंने तेल क्योंकि मैं इसमें अपनी सारी डिशेस बनाती हूँ, चाहे वो शाही पनीर हो या कोई भी सूखी सब्जी हो, क्योंकि ये आप रिफाइंड की जगह यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो आइए, अब इसमें हमने जो 2 टेबलस्पून राई के दाने लिए थे वो डाल देते हैं। राई अच्छे से कड़क रही है, इसके साथ ही हम इसमें 1 टेबलस्पून हींग डाल देंगे। अब इसमें हम अपनी अदरक, हरी मिर्च और हल्दी भी ऐड कर देंगे। अदरक, हरी मिर्च और हल्दी का अचार एक इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है। आप चाहें तो मिर्च के स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, पर अचार वही जिसमें थोड़ा सा तीखापन हो मैंने इसलिए लिया है। तो अब हम इसमें ये सब चीज़ें डाल के अच्छे से इसको चला देंगे। हम इसमें हल्दी भी डाल देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अदरक, हरी मिर्च और कच्ची हल्दी को हमने सरसों और हींग में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें अपनी काली मिर्च 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे। कश्मीरी मिर्च 1 टेबलस्पून सिर्फ कलर के लिए कि थोड़ा सा ऑरेंज कलर आ जाए, वैसे तो हल्दी से आ जाएगा बट फिर भी अच्छा लगता है। सॉल्ट मैंने 1 सर्विंग स्पून लिया था, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। और पिसी हुई राई इसमें ऐड कर देंगे।
और अब ऊपर से हमें ऐड करना है जो हमने अपने मसाले पीसे थे, सौंफ और दाना मेथी को हल्का सा भून के इस मसाले को हमने दरदरा रखना है, पतला नहीं पीसना। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इस मसाले को अदरक और हल्दी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स कितना टेम्पटिंग लग रहा है, मुझे तो अभी से ही बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, आप इसको एक बार जरूर ट्राई करिएगा। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका बनने के बाद। इसको अच्छे से मिक्स करिएगा ताकि सारे मसाले अदरक में, मिर्च में और हल्दी में अच्छे से चढ़ जाएं। आप चाहें तो तेल और मसाले अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं अगर आप कम कम अदरक और हल्दी को ले रहे हैं। मैंने यहाँ पर आधा किलो के हिसाब से ली है, आप अगर चाहें तो 200 ग्राम, 250 ग्राम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिलाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब सारा मसाला हमने अदरक और हल्दी में अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है फ्रेंड्स। हल्दी काटते काटते आप ग्लव्स जरूर पहन लीजिएगा, क्योंकि हल्दी काटने से हाथ पीले हो जाते हैं, नहीं तो फिर आप कहेंगे पूजा ने हमें बताया नहीं। तो मैं पहले ही बता दूं कि जब भी कोई आप ऐसी कलरफुल चीज़ जिसका कलर निकले और हाथों पे लगे, आप ऐसी चीज़ कट करते हैं या बनाते हैं, तो प्लीज़ आप ग्लव्स पहन लीजिए। और जहाँ तक रही पीली सरसों के तेल की, तो देखिए कितनी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है। इवन मैं तो इसमें पराठे भी सेक लेते हैं, उसमें भी आप देखेंगे अगर कभी ट्राई करेंगे तो कभी भी आपको कोई तेज़ी नहीं लगेगी और कोई झार नहीं लगेगी। देखिए बातें करते करते हमारा तैयार हो गया है एकदम इम्यूनिटी बूस्टर अदरक हल्दी और हरी मिर्च का अचार। अब इसको निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, इस अचार को खट्टा करने के लिए मैं अब आपको दो तरीके बताने जा रही हूँ। पहला कि अगर आपको अपना अचार 15 से 20 दिन में फिनिश करना है तो आप इसमें 2 से 3 नींबू ऐड कर दीजिए ठंडा होने के बाद सारे अचार में। और अगर आपको लंबे समय तक इसको प्रिजर्व करना है तो 2 सर्विंग स्पून वाइट विनेगर, वही सर्विंग स्पून जो हमने मसालों के मेजरमेंट के लिए लिया है, वही 2 सर्विंग स्पून पूरे अचार में वाइट सिरका यानी कि वाइट विनेगर आप ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप नींबू और सिरके की क्वांटिटी अपने अचार के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप इस मेरी इंस्टेंट अचार की रेसिपी, जी हाँ झटपट अचार की रेसिपी को एक बार बनाएं, दोस्तों को खिलाएं, पड़ोसियों को खिलाएं, सभी के साथ शेयर करें और वाह वाह उठें।